तो गाइस नॉर्थ कैंपस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जाने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज का टूर करने के लिए। तो अपनी सीट बेल्ट डाल दो क्योंकि आज सिनेमैटिक मोड में जाने वाले अपन। सो लेट्स गो बेबी। हे गाइस, तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं स्टीफन्स। इतने दिनों से विश थी, इच्छाएं थी स्टीफन्स आने की, तो आज इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। एंड यू कैन जस्ट सी द होल कॉलेज कैंपस। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये सारा साइंस व्लॉग है और इतना बड़ा साइंस व्लॉग भाई मैंने पहली बार देखा है किसी कॉलेज में। एंड आज मैं अकेला आया हूँ और आज तो भाई बहुत ही खतरनाक एक्साइटमेंट होने वाला है। जो गेट पर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म देख रहे थे, किस किसने रजिस्टर किया है, बहुत ही प्यार से भाई इज्जत से गेट से लेकर यहाँ तक छोड़ के गया हूँ, यहाँ तक गेट तक कि यहाँ से अंदर आप चले जाओ, सीधे सीधे जाना, फेस्ट मिल जाएगा आपको। क्या है कि आज का फेस्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन किया था मैंने, बिना फेस्ट के तो यहाँ एंट्री मिलती नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है कैसे भी। अगर पॉसिबल होता तो अब तक ब्लॉग आ चुका होता स्टीफन्स का लेकिन आज आ जाए स्टीफन्स का ब्लॉग, तो आप एंजॉय करना, दबा के लाइक कर देना वीडियो को पहले ही। भाई इस कॉलेज में ना ज़्यादातर लोग बस इंग्लिश में बात करते हैं सही में, क्योंकि आसपास के लोग ना बहुत कम है यहाँ पे, बहुत दूर दूर के भाई, नॉर्थ ईस्ट वगैरह साउथ के लिए जम्मू कश्मीर मतलब होल इंडिया से काफ़ी लोग इधर कॉलेज में आते हैं, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में दिखते हैं मुझे। ये सामने देख रहे हो ये भाई चर्च है, स्टीफन्स की चर्च। गाइस इस कॉलेज में भाई क्लासेस भी इतनी लगती, भाई इतनी शांति से लगती हैं, वहाँ पे क्लासेस लग रही थी अभी, ये वाली बिल्डिंग देख रहे हो इसमें क्लासेस लग रही हैं, लेकिन भाई एक आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब, एकदम सन्नाटा क्लास में, पता नहीं कैसी क्लास लगती हैं यार यहाँ पे। आगे पीछे भाई भाई स्टूडेंट तो कोई चमक ही नहीं रहा भाई, इतने में हमारे वहाँ फेस्ट होता तो भाई पता नहीं कितने सारे बंदे आते भाई, क्या ही होता। अभी के फेस्ट तुम्हें पता ही है ड्यू के कैसे होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं है, यहाँ पर बस सिलेक्टेड बंदे आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उसके अलावा कोई भी नहीं चमकेगा भाई, बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं जा सकते बिल्कुल भी। भाई डिसिप्लिन अगर सबसे ज़्यादा मेंटेन होता है ना तो भाई इस कॉलेज में होता है स्टीफन्स में, भाई कोई भी लड़का इधर उधर चमक नहीं सकता बिल्कुल भी भाई, जैसे मैं घूम रहा हूँ ना कॉलेज में लोग वो मुझे भी देख रहे हैं, भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया है, कैसे घूम रहा है कॉलेज में। एक्सक्यूज़ मी भैया, आप यहीं से हो, इसी कॉलेज से हो, अच्छा CUET दिया था आपने, तो एक बार बताओगे आपका ऐसा क्या कितना स्कोर आया था कि आपको स्टीफन्स मिल गया, बताओ तुम्हारा तो बढ़िया है। बस नॉर्मल आइडिया दे दो कि इतने से ऊपर आएगा तो मिल सकता है। मेरे केस में तो 99 प्लस थे सब में, परसेंटाइल में, परसेंटाइल में नहीं, CUET स्कोर में लगवा अभी, क्योंकि CUET हो रहा है ना इस कॉलेजों के लिए। और फिर ये भी बताना कि इसके बाद इंटरव्यू भी हुआ था क्या तुम्हारा? नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ था, नहीं बस डायरेक्ट स्कोर के बेस पर मिल गया 490। लाइक फिजिक्स ऑनर्स है ना तो इसमें इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, तो इसमें सिर्फ आपका सबका ही फिजिक्स ऑनर्स है सारे, वो कह रहे थे साइंस के कोर्सेज में मार्क्स कम चाहिए, तो साइंस के कोर्सेज में तो मतलब 10th और 12th में वो भी परसेंट मैटर करती है, स्कोर के बल एंट्रेंस इसलिए। हाँ और आप भी बताओगे स्कोर मतलब कितना चाहिएगा, लाइक नॉर्मली अगर मान के चलो 460-470 आउट ऑफ 600 होगा इधर है ना, आउट ऑफ 600 बिल्कुल हो जाएगा, अगर 470 से ऊपर है ना हो जाएगा बड़े प्यार, 470 से ऊपर यार बहुत कम है, नहीं सच में हो जाएगा, मैं 446 वाला मैं हूं, साइंस में कम मार्क्स कम आ रहे हैं, साइंस में कम, ये पेपर आपका ऐसे ही आता है 45 मिनट से मैंने दिया था, तो शिफ्ट में टफ था, मतलब वो उस पे भी डिपेंड करता है, तो वो चीजें बहुत है, क्योंकि मार्क्स में टफनेस नहीं आती लेकिन परसेंटाइल में वो सब मैटर करता है, तो अगर मार्क्स भी कम है लेकिन अगर आप टफ शिफ्ट में पेपर देख के आओ तो आपकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ये भी है कुछ फैक्टर भाई, ये बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ है इसमें, तो हम सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे कुछ नहीं कह सकते,
मतलब परसेंटाइल भी मिला के उसमें दोनों ऐसा हो सकता है कि मान लो एग्जाम हार्ड आ जाए तो मार्क्स कम हो जाएंगे लेकिन परसेंटाइल ज्यादा आ जाएगी पैटर्न तो इररेगुलर ही रहता है ना अच्छा तो उसमें कुछ नहीं कह सकते वैसे अपने अगर अपन क्लास में देखें तो कैटेगरी वाइज कितने लोग हैं अपने पास ऐसे जनरल में इतने लोग हैं अपने क्लास में और एससी एसटी बच्चे तो हमारे में क्रिश्चियन हैं हां मतलब कितना कितना परसेंट है यहां का 50% क्रिश्चियंस का आप में से तो क्रिश्चियंस नो भैया जी हैं अरे भैया जी हैं भैया का फिर कितना स्कोर होगा लगभग अगर उसके हिसाब से देखे तो लगभग इंटरव्यू भी होता है अच्छा ऐसा भी है हम चोजन वाले हैं इनपे ज्यादा एक्सपीरियंस है 300 प्लस अगर आते हैं ना क्रिश्चियन के तो हो सकता है तो हो जाएगा बस इंटरव्यू में इंटरव्यू पर आप कम मार्क्स का हिम्मत कर देखो अगर आप तैयारी करो तो बढ़िया करो वही उसका कोई फायदा नहीं है कि कितने पे होगा आप अपना बेस्ट दे के आओ जहाँ होगा वो होगा बिल्कुल होगा क्योंकि स्टीफन्स क्या है हर किसी को नहीं मिलता ना ये भी तो बात है मैंने अपनी मैं बता रहा हूँ अपनी मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे स्टीफन्स भरा था अपना एक भी कोर्स नहीं मिला फिर मेरा अभी बीए हिंदी ऑनर्स है रामदास में मिला हुआ तो उनकी परसेंटाइल फिर वही 99-98 तो आप फाइनली परसेंटाइल पे कुछ कह सकते परसेंटाइल के बेसिस पे आप कुछ नहीं कह सकते और मतलब ये बता सकते हो यहाँ कौन कौन से इस कॉलेज में कोर्स परस्यू कर सकते हैं लोग आर्ट्स और साइंसेस के कॉलेज है आर्ट्स और साइंस कॉमर्स के कॉमर्स वगैरह और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वगैरह कैसी हैं खेलते हैं स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स अच्छा है भाई सच बताऊं ना ये मेरा फर्स्ट टाइम है वैसे तो स्टीफन में पर मैं यहां से वहां तक आया ना भाई एक भी ऐसा अनडिसिप्लिन मुझे कुछ चीज नहीं दिखी भाई इतना मेंटेनेंस भाई मैंने किसी कॉलेज में नहीं देखा नहीं यहां पे ये नहीं मिलेगा ये तो बिल्कुल नहीं भाई मैंने सारे कॉलेज मतलब ज्यादातर कॉलेज घूमे नॉर्थ कैंपस के लेकिन यहाँ का जो माहौल है ना भाई कहीं नहीं है सच में मैं अभी क्लासेस यहीं से गया था यहीं से क्लासेस भी लग रही थी ना भाई बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी इतनी साउंड क्लासेस कैसे लग जाती है हमारे कॉलेज में आओगे ना भाई रामदास में बहुत भीड़ होती है भाई बहुत यहाँ पे भीड़ नहीं है सबसे बड़ी बात ये बच्चे बहुत कम है बहुत कम रेशियो कैंपस रेशियो और जितने बच्चे हैं बहुत कम है अभी तो लाइक सेकंड थर्ड ईयर वाले पे आ गए जब हमारे थे तो सिर्फ फर्स्ट ईयर था ऐसा लगता था पूरा खाली एकदम हाँ बिल्कुल पूरा खाली ऐसे ही मिला था मुझे गेट से लेके यहाँ तक प्रेफरेंस में अपन ने यही वाला भरा था सबसे पहले और यही मिल गया टीचर ने बोला था ये भर दो अरे और क्या गूगल पे डाला बढ़िया कॉलेज कौन सा यही है स्टीफन सर हिंदू वगैरह ये मतलब यही सारे भर दिए ऐसा सी यही टॉप कॉलेज है सारे आगे चल के फिर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो ये चीजें बस ये हाइप सिर्फ एडमिशन के टाइम मतलब आपको बूस्ट दे सकती है बट जो आप कर सकते हो वो कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लाके फिर पता है कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे आके मैं फिर क्या कहता है आगे भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना कोई सा भी कोर्स परसू करने में सही बात और स्टडी कैसी है यहाँ की स्टडी लेवल स्टडी के लिए जिसके लिए फेमस है वो तो है वो तो रहेगा फैकल्टी टीचर्स वगैरह है भी बहुत शानदार लेवल है भाई फैकल्टी सो गाइस जैसा आपने सुन लिया होगा भाई लोगों से ये सारे यहीं के स्टीफन्स के और इन्होंने काफ़ी नॉलेज दे दी है हर तुम्हें कॉलेज के बारे में तो देख लेना वैसे और भी कुछ चाहिए ना तो कमेंट कर देना भाई लोग थोड़ा बहुत तो बता देंगे यार और मैं पूछ लूँगा अगर कोई भी स्टीफन्स का मिलेगा तो मेरे को है ना और ये भाई अपने क्या नाम भैया अपना लक्की लकी तो और भी मोइन आशीष बहुत प्यारे प्यारे नाम सबके सुना ही होगा कि स्टीफन्स में डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहता है एंड कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है तो भैया को थैंक यू कह दो कमेंट में ठीक है भाई लोग बहुत अच्छा लगा भाई इंडियन एरिक ठीक है भाई नाइस टू मीट यू भाई सो गाइस आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कॉलेज के हिसाब से लेकिन और किसी के ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मैंने देखे थे ब्लॉग्स बहुत सारे तो अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है मेरा कॉन्टेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि भाई बहुत आगे तक जाना है अपन को अभी तो ये स्टीफन से स्टीफन की क्लासेस और देख लो टोट बैग खरीदी है देखिए सुंदर टोट बैग इसको पकड़िए पकड़ो पकड़ो पकड़ो
कहाँ रखोगे? नो टोट बैग मच प्रिटी. अच्छा टोट बैग में या नहीं तो फिर हमारे पास कॉक फाइट है यहाँ पे. पैर ऊपर करके तुम्हें लोगों से लड़ना है. अगर तुम जीत गए तो तुम्हें जो भी पैसा है जो सारे लोग दे रहे हैं सब तुम्हें मिलेगा. पैर पकड़ कैसे लड़ पाऊंगा मैं? हाँ वही तो है लड़ाई करना. अच्छा I'm falling in love with the Stephen's best. Guys, इतनी प्यार से तो best होता है यार यहाँ. Look at this guys, who is joining us? Mr. Dev is going to join us guys. Us bro, us. यहाँ के students के नसों में है भाई discipline. Guys, classes देख सकते हो भाई classes. इतना भी नहीं होना चाहिए यार discipline के भाई उधम नहीं मचा पाए हम जैसे लौंडे क्या करेंगे यहाँ के. Guys, जो कॉलेज में ना भारी दुकान लगी है बहुत सही दुकान है भाई. शॉप बोल ले यार. गाइस देख लो सेंट स्टीफन में आके भी दुकानें कह रहा भारी दुकान है भाई. यहाँ पे कम से कम 100-80% लोग इंग्लिश बोलते हैं बस. हिंदी का यूज तो भाई बहुत ही कम होता है. फेस्ट में भी नॉर्मल लग रहा है, भीड़ तो है ही नहीं ज्यादा. मैं कैमरा घुमा रहा हूँ गाइस देख लेना एक बार. देखा गाइस खाली पड़ा बिल्कुल. गाइस कैफेटेरिया स्टीफन्स का. हां घुमाते तो मैं स्नैक्स काउंटर वगैरह. गाइस अंग्रेजों की बस्ती में आके अंग्रेजी खाना खा लें हम थोड़ा सा. गाइस लंच हो चुका है तो अपन वापस आते हैं फेस्ट की तरफ. है भैया आओ गाइस फेस्ट दिखाए तुम्हें फेस्ट स्टीफन. ये देखो गाइस देखना ये सारे के सारे छतरी लगा के बैठे. बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी. छतरी के नीचे आजा शाबाश. ये कौन सी लैंग्वेज है? Guys, जरा recognize करना, which language this is. Guys, यहाँ ज्यादातर लोग है ना भाई क्रिश्चियन रिलीजन वाले, उनके ना सारे बॉडी पे भाई टैटू तो मिलेंगे भाई, हर किसी के टैटू तो मिलेगा भाई. लेकिन ऐसा है कि हमारे यहाँ पे अगर टैटू अगर छपाने ना, जैसे मैं हूँ मैंने छपा लेना टैटू, पर घर वाले भाई इतना बुरा मारेंगे भाई, बहुत गंदा मारेंगे, इतना कि भाई गिनने में नहीं आया इतना गंदा मारेंगे. यार मैं तो वही ढूंढ रहा था यार कोई तो मिले हिल्स टूर करा दे. ऐसा नहीं है सब्सक्राइबर अपने हैं सारे कॉलेजों में. बातचीत है आप बातचीत है अपनी. एंड बताइए ना तुम्हें क्या करना है. वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट करना. और भी टूर अभी आने वाले हैं. साउथ कैंपस अभी पूरा बचा है भाई, पूरा कवर कर लेंगे.